क्या क्वेश्चन दिया है थोड़ा ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रॉन वॉज थ्रोन वर्टिकली अप एट इक्वेटर ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बेन इन व्हिच डायरेक्शन। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया इक्वेटर पे। अच्छा, ये है मान लो कि हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब इट वाज थ्रोन लाइक दिस। मोर ओवर हमें मालूम है एट द इक्वेटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। नाउ यू थिंक इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलता तो उसके ऊपर जो फोर्स आता वो इस डायरेक्शन में होता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, जो फोर्स आएगा इधर को बेंड कर जाएगा। तो इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होगा जब ये क्वेश्चन आएगा। अब वैसे ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एनटीएससी के भी स्कूल एग्जाम जेईई एग्जाम सब में। तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन अपवर्ड मींस इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस और हैड इट बीन ए पॉजिटिव चार्ज फोर्स कुछ ऐसा होता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है फोर्स तो इधर को होगा। सो क्या कहेंगे, आंसर हो गया ईस्ट, इट विल बेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ए चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए चार्ज पार्टिकल वाज थ्रोन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेट द कंडीशंस फॉर व्हिच इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, फॉर यू नो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, फॉर एक्सीलरेशन टू बी जीरो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो होगा कब, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में नेट फोर्स जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए सॉल्यूशन बताएंगे, नेट फोर्स जीरो होगा तो फिर मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा विल बी जीरो। ऐसा कब होगा, जब थीटा होगा कितना जीरो और 180 डिग्री। तो क्या हुआ कंडीशन, थीटा क्या था एंगल बिटवीन वी एंड बी, सो एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी शुड बी जीरो और 180 डिग्री। दैट मींस व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स विल बी जीरो, इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा केस में विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के लिए हम तो जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स आपकी तरह है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, घुमाता है लेकिन कोई वर्क नहीं करता। एज इट डजंट डू एनी वर्क, तो आप कहोगे कि वर्क इज नॉट, नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए कंडीशन है, कांस्टेंट स्पीड के लिए नो कंडीशन। आप कैसे भी थ्रो करो कोई एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में, आप कैसे भी थ्रो करो ये मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। तो क्या कहेंगे कंडीशन, इसका कंडीशन कहेंगे नो कंडीशन। आप यू से फॉर और ऑलवेज इट मूव्स, ऑलवेज मूव्स लाइक दिस। सो कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम थ्रो कर देंगे ये कांस्टेंट स्पीड में कब मूव करेगा, ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। ठीक है, समझ में आ गया है सबको। तीसरा केस में पूछा है हियर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और ये दोनों लाइन के बीच में है, कैसा है दिखाया इनवर्ड है, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है मास m है उसको थ्रो किया गया, अगर जोर से थ्रो करेंगे हो सकता है निकल के आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन दिया है कितना मैक्सिमम जोर से थ्रो करेंगे कि ये निकल के नहीं आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन में और एक डाटा मिसिंग है, क्वेश्चन में एक डाटा मिसिंग है, ये डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस कितना दिया गया है l,
ये डिस्टेंस दिया गया है एल, हाँ ये मिसिंग है। आप पूछा है कितना मैक्सिमम जोर से थ्रो करेंगे कि निकल के नहीं आएगा, चलो हम धीरे से थ्रो करके देखते हैं। When you throw it into this magnetic field, what will happen? It will come out, it will go inside. जैसे अंदर गया घूमने की कोशिश करेगा, घूमेगा और निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ से बाहर आ गया फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में भाग जाएगा क्योंकि there is no magnetic field. थोड़ा और जोर फेंको तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे निकल के आ जाएगा। हमें चाहिए कि यहाँ से ना निकले, उसके लिए क्या चाहिए? It should move in the biggest circle जिसका radius is equal to L. तो क्या लिखेंगे solution में, क्या लिखेंगे? The charged particle moves in a circular path. So charged particle moves in a circular path. And comes out of the field. ठीक है, for not crossing the line CD, maximum radius of circle, maximum possible radius should be equal to L. और इसका मतलब हुआ एम वी बाय क्यू बी, हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला एम यू बाय क्यू बी शुड बी इक्वल टू एल। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू? क्यू बी एल बाय एम। तो इससे इतने स्पीड में फेंकेंगे तो यहां तक जाएगा और निकल के आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड में फेंकेंगे हो सकता है कि वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, कि ये दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, भी दिया गया है इस चार्ज पार्टिकल वाज थ्रोन फ्रॉम आउटसाइड फील्ड के बाहर से। उससे पहले हम लोग जो केसेस कर रहे थे उसमें चार्ज पार्टिकल को कहां से थ्रो करते थे? फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम आउटसाइड इनटू ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बाहर से हम फेंके। अच्छा, कमेंट ऑन पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन कैसे होगा? हमें तो मालूम है कि जैसे ही ये पार्टिकल अंदर घुसेगा द मोमेंट इट एंटर्स यू फाइंड इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड और इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे रहेगा? फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा। हमें ये भी मालूम है कि दिस फोर्स इज गोइंग टू बिहेव एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। That means this force is indicating the direction of center of the circular path. That means the center of the circular path will be somewhere on the boundary. Amen. This will try to move in a circular path with a center on the boundary. Amen. So it will follow a path like this. और घूमते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे बाहर आया फिर तो चलने लगा क्योंकि देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आना चाहिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल, द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ सेंटर on the line MN, MN line के ऊपर है। ठीक है, R is radius of circular path, क्या होगा? MV by QB। तो comment on path of motion, एक semi circular path में ये जा रहा है और बाहर निकल गया। पूछा है फाइंड द टाइम ऑफ मोशन, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन द पार्टिकल
constant speed. The particle moves with constant speed. क्योंकि magnetic force velocity को perpendicular है, it doesn't do any work. तो constant speed में move कर रहा है, तो constant speed होने के कारण time क्या लगेगा? Time of motion. Time of motion कितना हो गया? It is the distance moved by speed. कितना डिस्टेंस गया है इसे जाने में? वो रेडियस पता चल चुका है, रेडियस इज दिस. ठीक है, रेडियस इज दिस. तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा ऐसे घूम के आने के लिए. आप वैसे भी जानते हो कि एक बार पूरा घूमने के लिए इसको 2πm/3 भी टाइम लगता है, और अगर निकालोगे भी तो आपको मिलेगा πm/3, क्योंकि पूरा टाइम ऑफ रोटेशन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, इट वाज 2πm/3, बट नाउ इट इज πm/3. फिर पूछा है, बताओ ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहां से घुसा, यहां से निकल गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r. तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2r. कितना टाइम लिया है? πm/3. ओ ऐसा है क्या? r का वैल्यू मालूम है, mv/3 डालो, 2mv/3, और ये नीचे रह गया πm, ऊपर हुआ qb. मार्केट करो क्या मिलेगा? 2v/π. सो द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. आप अगर v स्पीड में फेंक रहे हो, एवरेज वेलोसिटी विल बी 2v/π. इट विल बी 2v/π. ठीक है. So till now we have seen, if the charge particle is thrown in a magnetic field, थोड़ा सा concluding summary है, when a charged particle, when a charged particle is thrown in a uniform magnetic field, with angle between V and B being theta, for theta is equal to 0 or 180 degree, particle moves with constant velocity along a straight line. For theta is equal to 90 degree, particle follows a circular path with constant speed and radius is equal to mv/3. ये हम लोग देख चुके हैं. ऑफ रेडियस इज इक्वल टू mv/3, इतना ही जानकारी हमारे पास है. तो थीटा का तीन वैल्यू के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. व्हेन द एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 0 और 180 और 90 डिग्री. लेकिन मान लो तीन एक दूसरा है, एंगल बिटवीन वी एंड बी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. नाउ इन दैट केस हाउ विल बी द थिंग? नाउ वी प्रोसीड
if theta is not equal to 0 or 180 or 90 किसी एक दूसरा एंगल में है, तो अभी हमें ये केस देखना है। दैट इज थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। अगर वी और बी के बीच में एंगल जीरो नहीं है, 180 नहीं है, 90 नहीं है, तो चलो देखते हैं। सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे सीधा चले जाएगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में, ऐसे फेंकेंगे गोल गोल घूमते रह जाएगा। नाउ आई थ्रो इट इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, मेकिंग सम एंगल थीटा व्हिच इज नाइदर 0 नॉर 180 नॉर 90। इन दैट केस यू विल सी that this velocity will have two components, a component like this. You will call this component as v cos theta, and this component is v sin theta. You will get the two velocities v cos theta and v sin theta. Okay. हाँ, अगर ये बात है तो हम इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट देखेंगे। पहला चीज जो हमें नजर में आ रहा है, ड्यू टू कंपोनेंट वी कॉस थीटा द पार्टिकल ट्राइज टू मूव with constant velocity along the direction of B के direction में। तो अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ये ऐसे भाग जाता constant velocity में। Due to component V sin theta it tends to rotate along a circular path with time period, क्या time period रहेगा, 2 pi m by qb। आप जानते हो कितने भी velocity में throw करो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। अब इसके चलते अगर ये अकेला होता, ये गोल गोल घूमता, कितना वेलोसिटी, कितना टाइम पीरियड में, 2 पाई एम बाई क्यूबी, खाली ये रहता स्विंग करके निकल जाता विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या है, ये घुमाएगा और ये ले जाएगा, तो ये जाएगा कैसे, इज ए कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू। यू विल सी हाउ द पार्टिकल मूव्स, द पार्टिकल टेंड्स टू मूव लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा। तो क्या लिखेंगे एज ए कॉम्बाइंड इफेक्ट, इट मूव्स अलोंग ए हेलिकल पाथ, पाथ इज ए हेलिक्स बन रहा है, हेलिकल पाथ में जा रहा है, ठीक है भाई। अगर ये हेलिकल पाथ में जा रहा है तो वो हेलिकल पाथ का पिच क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय पिच, पिच ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स का पिच क्या होता है। पिच ऑफ हेलिक्स इज नथिंग बट द एक्सियल एडवांस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आपको ये स्क्रू को ले लो, स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड बनाया आप देखोगे वो हेलिकल पाथ है ना, सर्कुलर नहीं, घूमते घूमते ग्रुप बनाया उसके ऊपर,
तो उसका पीच कितना है, मतलब उसको अगर एक बार पूरा घूम जाओगे तो कितना दूर जा रहे हो अराउंड द एक्सिस। कोई स्क्रू उसका जो पीच है, जो हेलिकल स्क्रू ग्रूव है उसका पीच कितना है, स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन दो, देखो कितना घुस गया या फिर कितना निकल गया। सो व्हाट इज पीच? पीच इज कॉल्ड एक्सियल एडवांस इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में एक्सियल एक बार पूरा घुमा, मान लो अभी यहां पर है, यहां से घूम के यहां पर आने वाले एक बार एक रिवोल्यूशन हो गया, कितना दूर गया? यू कैन से पीच इज नथिंग बट दिस, पीच इज नथिंग बट दिस। यहां से एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना दूर गया है, ठीक है? इसको हम कहेंगे पीच ऑफ हेलिक्स। पीच ऑफ हेलिक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? कहेंगे पी कितना है ये, एक बार घूमने में इधर को कितना जाएगा, अरे इधर का उसका स्पीड कितना था, v cos थीटा, और एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लगा, 2 पाई m by q b। सो इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ p इन अ टाइम ऑफ 2 पाई m by q b, कितना दूर जाएगा? वो कांस्टेंटली इधर जा रहा है v cos थीटा में, और एक बार घूमने के लिए टाइम लगा 2 पाई m by q b, तो ये कितना दूर जाएगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। सो द हेलिकल पाथ इट फॉलोज इज शोन, व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स? 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। आपको डिफरेंट क्वेश्चन में लोअर लेवल एंट्रेंसेस में पूछेंगे व्हाट इज द पाथ, एंड थीटा इज 0 और 180, पाथ इज स्ट्रेट लाइन, थीटा इज 90, पाथ इज सर्कुलर, थीटा इज समथिंग एल्स, पाथ इज हेलिकल। इतना याद रखना है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा में इसको दे दिया। क्या दिया था? हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा है, और यहां से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज क्यू मास एम वी वेलोसिटी में 60 डिग्री एंगल करके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है एल, ये डिस्टेंस है एल, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन लाइन्स ए बी एंड सी डी इफ द चार्ज पार्टिकल, इफ द पार्टिकल कम्स आउट ऑफ द फील्ड आफ्टर 10 कंप्लीट रिवोल्यूशंस, फाइंड एल। ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में 10 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके बाहर निकल के आया, तो एल क्या है बताओ? क्या आप में से कोई इसको कर सकेगा? तो कोई आंसर बताया है और सही आंसर बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछूंगा एक सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, फिर हम लोग इसको सेकेंड में जाएंगे। हियर वाज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वाज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कोई चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, चार्ज पार्टिकल कैसा है? ऐसा है, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका गया
we will go like, what is the path followed? It will go like this. Okay. Or it will go like this. Or it will go like this. कौन सा रास्ता फॉलो करेगा? वन टू थ्री. Which path it will follow? Three. ये फॉलो करेगा पाथ थ्री. बिकॉज एंगल बिटवीन बी एंड बी, देखो ना थोड़ा ध्यान से देखो, बी ऐसा था, बी ऐसे था, अभी अभी तो देखे ऐसा ऐसा करके जाता था, तो इसका मतलब एल कितना है? हियर एल जो निकालना चाहते हैं, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स द पिच, और पिच कितना था? पिच तो ये है पिच, पिच कितना था? 10 into 2 pi m v cos theta by qb, और यहां पर थीटा दिया गया है कितना? 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, cos theta 1 by 2, एक 2 दूसरा 2 को खा गया, 10 pi m by qb. देखो कल का जेई मेंस का क्वेश्चन है और आप लोग कर लिए. फोर्स और ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स आता है? थोड़ा इसको समझेंगे, एक नया थ्योरी आ गया, ठीक है ना? ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज वाज क्यू वी क्रॉस बी, एक क्रॉस प्रोडक्ट मालूम नहीं था, हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे लिखे थे क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वी एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, ये हम लोग जान चुके, समझ चुके, न्यूमेरिकल भी कर चुके. और मैं आपको पहले भी बताया हूं क्यू वी जो चीज है वो क्या है, क्यू चार्ज मूव से डिस्टेंस डीएल इन डीटी सेकेंड्स, बट व्हेन क्यू चार्ज इज मूविंग इन डीटी सेकेंड्स यू से द करंट आई इज क्यू बाय डीटी, इट इज सेम एज आईडीएल, बताए थे डायमेंशनली ये सब चीजें बराबर होते हैं, क्यू भी जो है आईडीएल वही है, मतलब अगर कोई छोटा सा करंट एलिमेंट है आईडीएल उसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? आईडीएल क्रॉस बी, और आईडीएल बी आईडीएल साइन थीटा. समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे अभी, इसको ये इस फॉर्मूले को भी लोरेंजेस लॉ कहते हैं, लोरेंजेस लॉ, लोरेंज लॉ क्या कहता है? कहता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट एलिमेंट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट एलिमेंट इन ए करंट एलिमेंट आइडियल, आइडियल, और ये चीज क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी. ओ क्रॉस प्रोडक्ट तुमको मालूम नहीं है, इससे फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया बी आई डी एल साइन थीटा. फिर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड, बी एंड आइडियल, ये चीज आपको समझ में आता है, इतना चीज समझ में आता है. आप पूछोगे सर क्यों, क्यों नहीं भाई, ये लॉ है, लॉ मींस समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. क्लियर?
क्या कहता है ये लॉ? लॉ कहता है कि अगर यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसको आप कहोगे आइडियल, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? दैट फोर्स विल बी बी आइडियल साइन थीटा। अब फोर्स एक वेक्टर है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? ज्यादा माथापाती करने की जरूरत नहीं है। इस केस में डायरेक्शन कैसे पता करते थे? टेकिंग बी इन द डायरेक्शन, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यू डू द सेम थिंग हियर, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ आइडियल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, फोर्स विल बी पुशिंग फोर्स। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी एंड आइडियल, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना? राइट हैंड पाम, आपकी बुक में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दिया है, आप करो उसको। मैं भी अपना नोट्स में दिया हूं, पर देन मैं चाहता हूं कि इससे करें कैलकुलेशन हमारा फास्टर हो जाए। मैं चाहता हूं कि अपना पाम रूल से करेंगे तो हमारा काम फास्टर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको करना चाहता हूं, ठीक है? अब बात यह है कि क्या है राइट हैंड पाम रूल। सो व्हेन राइट हैंड पाम इज ओपन विथ फिंगर्स बीइंग स्ट्रेच्ड इफ thumb gives direction of ideal and other fingers in direction of or indicate direction of B, then direction of force is perpendicularly coming out from palm, जैसे लगेगा कि force is coming out from the palm, ऐसे बाहर, मतलब pushing force। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आया? जाने के लिए थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, नाउ हियर इज ए स्मॉल वायर कैरिंग ए करंट लाइक दिस, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, तो फोर्स कैसे होगा? बी है ऐसे, ये हो गया आइडियल, ठीक है, और बी है अंदर की तरफ आइडियल, ऐसे फोर्स होगा ऐसे, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है वो ऐसे आएगा। अगर हम कहेंगे बी है ऐसे और कोई एक करंट एलिमेंट है आइडियल ऐसे, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यू विल से बी इज इनवर्ड, करंट एलिमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन फोर्स हुआ ऐसे, पुशिंग फोर्स, सो द फोर्स हैज टू बी इन डायरेक्शन लाइक दिस। तो इट इज सो सिंपल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट एलिमेंट, ठीक है? ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 3,
force on a bent conductor. अगर कोई एक सीधा कंडक्टर है तो फोर्स निकालना हमें आता है। चलो मानते हैं कि कोई करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा शेप का है, ऐसा शेप का वायर है। अब इसमें करंट जा रहा है और हमें पता करना है व्हाट इज द फोर्स। अगर हम यहाँ का करंट एलिमेंट लेंगे उसका एक डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ का करंट एलिमेंट लेंगे उसका एक दूसरा डायरेक्शन मिलेगा, तीसरा डायरेक्शन मिलेगा, लाइक दैट। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा। ओ मान लो कि ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, आई वांट टू नो द फोर्स ऑन ड्यू टू दिस ऑन दिस बेंट कंप्लीट वायर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द वायर, ऐसे पूछा गया है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो जानकारी हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से अने छोटा लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर वी नो द मैग्नेटिक फील्ड बी आई डी एल साइन थीटा। वेल आई कैन कंसीडर दिस टोटल वायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ छोटा वायर्स, और कोई छोटा वायर का डायरेक्शन तो फिक्स रहता है, बड़ा वायर का डायरेक्शन बदल रहा है। कोई भी कर्व का एक छोटा सा सेक्शन लेंगे दैट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट करंट एलिमेंट्स हुए, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, एंड यू गो ऑन एडिंग देम टू फाइंड आउट। सो दीज आर ऑल डिफरेंट करंट एलिमेंट्स, हमें ये सारे के ऊपर फोर्स निकालना है, सारा फोर्स को जोड़ के नेट फोर्स निकालना है। इसके ऊपर इसके चलते फोर्स आएगा ऐसे, हाँ तो फोर्स आएगा ऐसे, कॉल इट एफ वन। इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, गो ऑन एडिंग ऑल दीज फोर्सेस टू फाइंड आउट द नेट फोर्स, ठीक है ना। ये सारा फोर्स को जोड़ेंगे तो ये वायर के ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है हम लोग पता कर पाएंगे। तो ये सारा फोर्स को जोड़ना पड़ेगा भाई, देयर आर वेक्टर्स, देयर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होते तो कुछ कर लेते, तो अलग अलग डायरेक्शन में। ये सारा फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द नेट फोर्स, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन दिस बेंट वायर, ठीक है। आपके बुक में ये सब बेंट बेंट वायर के लिए नहीं है, सीधे सीधे वायर के लिए दिए हैं। सीधे वायर के लिए क्या होगा डायरेक्शन, वो भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं, दे डोंट आस्क यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हियर वी आर सीइंग द मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन बोथ। तो इफ वी कंसीडर द बेंट वायर इज ए combination of number of small current elements, then जो net force आएगा वो सारे का force को जोड़ के वेक्टोरियली निकालेंगे ऐसे, है ना, सारे फोर्स को जोड़ देंगे और निकालेंगे। F1, F2, F3, F4, F1 क्या है, इट वाज आईडीएल वन वेक्टर क्रॉस बी, ये आईडीएल टू क्रॉस बी, ऐसे सारा वेक्टर को हमें जोड़ना है। तो आप देखोगे ये चीज क्या हो रहा है, देखो तो B तो कॉमन चले जाएगा, आई भी कमन चले जाएगा। ध्यान से देखो तो डीएल वन डीएल टू डीएल थ्री क्रॉस बी ऐसे तो लिख सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बट इफ दिस इज व्हाट इज द वायर जिसमें हम लोग निकाल रहे हैं, मान लो ये एक बेंड वायर है और इसमें आइडियल वन क्या मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है, तो आइडियल क्या हुआ, आइडियल वन इज दिस, आइडियल टू इज दिस, आइडियल थ्री इज दिस,
आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, बचपन में हम लोग कभी पढ़े थे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन। सो व्हेन यू गो ऑन एडिंग ऑल दिस वेक्टर्स dl1 dl2 dl3 dl4 व्हाट यू गेट दिस वेक्टर, you call it L equivalent or you call it I L equivalent, ये कौन है ideal one, ये कौन है ideal two, like this you add them, you find I L equivalent is coming in this direction, तो हम कहेंगे this quantity comes out to be I L equivalent cross B, और अगर हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो कि आप में से काफी लोगों को चाहिए, मेरा काम है कैसे हुआ बताना, तो कैसे आया वो चीज में बता दिया, लेकिन आप में से हर कोई कोई हजम नहीं होता है, तो आपको क्या याद रखना है, द नेट फोर्स विल हैव अ मैग्नीट्यूड बी आई एल इक्विवेलेंट साइन थीटा, तो थोड़ा ध्यान रखिए, हमें अगर नेट फोर्स पूछा गया हम कैसे निकालेंगे, सपोज हम कहेंगे ऐसा एक वायर है, आई करंट जा रहा है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा आई एल इक्विवेलेंट, कैसे, स्टार्टिंग एंड से एंडिंग एंड तक ले लो, दिस इज आई एल इक्विवेलेंट, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो नेट फोर्स जो आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये हो गया नेट फोर्स, कितना बी आई एल इक्विवेलेंट साइन थीटा। कोई छोटा वायर के लिए हमारा लोरेंत्ज़ लॉ है जिसको लेके हम लोग फोर्स निकाल दिए, बट यूजिंग द सेम कंसेप्ट, कोई बंका कोई टेढ़ा मेढ़ा लंबा सा वायर है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा जानने के लिए व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड जॉइन लाइक दिस एंड फाइंड द फोर्स, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपको बेहतर समझ में आएगा, बिट नंबर टू में और एग्जांपल में मैं बताऊं कि सपोज हियर इज ए वायर, सेमी सर्कुलर वायर एंड कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर, हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड बी, नेट फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू, पहले आपको इसको इक्विवेलेंट करंट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये लेंथ कितना है 2R, तो आप हो गए 2IR, लेंथ है स्ट्रेट है, तो फोर्स क्या हो जाएगा B इंटू टू आई आर और टू बी आई आर साइन थीटा, व्हाट इज थीटा हियर, B ऐसा है आई आर ऐसा है, थीटा इज 90 डिग्री, सो द फोर्स इज टू बी आई आर, द नेट फोर्स इज टू बी आई आर, इज दैट क्लियर, समझ में आया। पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड, बिट नंबर वन, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आई वी आई बाय समेशन ऑफ एम आई, ये आपको मालूम है, जबकि VI वेक्टर है, ये सॉल्यूशन की बात चल रहा है, बिट नंबर वन, बिट नंबर वन में दो केजी तीन केजी दोनों जा रहे हैं, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 केजी इंटू 10 आई केप 3 केजी इंटू 2 आई केप बाय 2 प्लस 3 20 प्लस 6 26 बाय 5 इज 5.2 आई के मीटर पर सेकेंड।
सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ स्पीड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल दो 5.2। सेकंड केस में 3 केजी जा रहा है 10 में, 3 × 10 आई के प्लस 2 उल्टा आ रहा है, 2 × वेलोसिटी कितना है -5 आई के बाय 3 + 2 कितना हुआ 30 - 10 20/5 4 m/s और 4 IK m/s मैग्नीट्यूड चाहिए होगा 4। थर्ड केस में 2 kg वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2 kg जा रहा है 4 IK में इधर को, लेकिन 3 kg तो इधर जा रहा है, जे वाई एक्सिस में जा रहा है 3 kg × 2 jk / 3 + 2 सिंप्लीफाई करें तो इट इज 8 IK + 6 jk / 5। हमें तो स्पीड निकालना है, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ VCM क्या होगा 8 का स्क्वायर, ये 8 IK 6 jk है तो क्या होगा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बाय 5 इज 2 m/s होल टावर। समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? यस, इन एवरी केस अभिषेक हैज डन इट।